हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो? सब बढ़िया? मैं बहुत 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 मजे में हूँ। ओके, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं वही क्वेश्चन आपके सामने एक बार रीड करना है, सो आपको वो भी हेल्प हो जाए। तो मैं मेरा मोटिव वही है, तो ज़रा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्या मैं सीख पाऊँगा डांस? क्यों नहीं सीख पाएगा, पहले ये बताओ मेरे को। हाँ भाई, सीख सकता है, क्यों नहीं सीख सकता? ओके, सो सिंपल है, अपने माइंड से निकालो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक बार अगर आपने ठान लिया ना, तो आप वो कर ही लोगे। सो यू कैन लर्न। ओके, मैं बिगिनर हूँ, मैं कंप्लीट नॉन डांसर हूँ, तो क्या हो गया? हर कोई जो धरती पे आता है वो सीख के तो नहीं आता है ना, जैसे तो सीखते हैं, मैंने भी सीखा है, बाकी लोग ने भी सीखा है, तो यस, आप कोई बात नहीं नॉन डांसर। किसने बोला? आप खुद ही बोल रहे हो ना, हमने किसी और को बोला कि डांस नहीं कर पाओगे। यस, आप कर सकते हो या कर सकती हो, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं। आप नॉन डांसर या डांसर हो, बस मैं आपको लास्ट बताऊंगा, प्लीज वीडियो पूरा देखना, ताकि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इसकी प्रोसेस क्या होती है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती है और आपको कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, वो तो क्या हो गया? कर सकता है, भगवान ने सबको अलग अलग खूबी दी है ना, जैसे पांच उंगलियां देख लो, है ना, देख लो हाइट में अलग अलग होगी, कोई सेम दिख रहा है? नहीं होगी सेम। भगवान ने सबको अपने आप में एक अलग ही मतलब टैलेंट दिया है। डांस एक ही होता है, दिल से डांस करो, लाखों दिलों को जीतोगे आप। सबका आंसर पता है कि जस्ट जॉइन द क्लास, ठीक है, सही क्लास। लॉकडाउन में और ये जो कोरोना मतलब जो भी चल रहा है, ठीक है, उसमें आपका बहुत ही बेनिफिट है, पता है कि आप घर बैठे सीख सकते हो। जिसको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि बाहर जाके सीखे, वो घर पे ऑनलाइन तो सीखने देंगे। और जूम में ऐसा होता है, आप ग्रुप में भी सीख सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि ग्रुप में मजा नहीं आ रहा है, तो प्राइवेट में जाके सीख सकते हो, ठीक है, तो आप पे मतलब चॉइस है। पर हाँ, मेन बात वही है, सीखने की भूख होनी चाहिए। अगर आपको सीखने की भूख है ना, तो यू विल फाइंड द वे। अगर बैठे रहना है, कंफर्ट जोन में रहना है, तो फिर कुछ नहीं होगा, सच है, लेकिन गड़बड़ है, जो है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको करना है, आप जाके क्लास ऐसे करा दोगे, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप ऐसे करोगे, अगर आपको सीखना होगा तो। यस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको 10 दिन में आप डांसर बन जाओगे, या सुबह उठ के सोए और लाइक डांस मेरे को आ गया, ऐसा नहीं होता है ना, सब में टाइम लगता है। ओके, इट विल टेक टाइम, बहुत प्रोसेस है, ठीक है। अगर डेडिकेशन सब करते हो और कितना टाइम देते हो, तो वैसे आपको वो चीज़ आएगी, है ना, एक रात में आप सुपरस्टार नहीं बन जाओगे। किसी भी डांसर की लाइफ देख लो, उनके बैकग्राउंड देखो, उनकी हिस्ट्री देखो, वो कैसे कैसे लेवल्स पार करके तब जाके वो कुछ बने हैं, वो डायरेक्ट नहीं आया है यहाँ पर, है ना। तो यस, ये एक प्रोसेस है, वो आपको प्रोसेस में ये चीज ध्यान रखनी है, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है बहुत ही अमेजिंग होता है, इसको हमेशा एंजॉय करना। आप सीख रहे हो कहीं पर भी हो, कोई बात बोलो, अगर एक खाना भी कोई खाना हो ना, तो आपको उसके पास चल के जाना होता है, तब जाके आप खाना खा सकते हो। कभी देखा बैठे बैठे हवा में खाना आ रहा है, नहीं आएगा? तो सेम है, क्लास को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे क्लास ज्वाइन करो, तो जो क्लास पसंद आए एक बार ज्वाइन करो, वहाँ बहुत ही मजा आएगा, सोचो मत, एक बार ऐसे करवा दो, एक बार कहीं फंसा दिया ना आपने आपको खुद को, तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो जाओ और सीखो, ट्रस्ट में, फिर आप लोग पता क्या बोलोगे, यार पहले क्यों नहीं आया मैं, तो इसे तो अभी चले जाओ, है ना। हर चीज का एक समय होता है ना, तो मेरे ख्याल से आपका समय अभी ये है, डू प्रैक्टिस, स्पेंड टाइम, जस्ट ग्रो। अभी जितना टाइम है उठा लो फायदा, फिर पता नहीं, है ना। तो प्लीज गाइस, जाओ और सीखो, दिल से दुआ है, आप सब आगे बढ़ो, कामयाबी भी आपको हासिल हो, आपको जो चाहिए आपको मिले, बस यही कहना था। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार से मुझे सुनने के लिए। बस लास्ट ये बोलना था, आपके किसी भी फ्रेंड को मतलब आपको ऐसा लगे कि उसको जरूर है, उसको शेयर करना, ताकि वो बेड से उठे और कुछ करे जिंदगी में, और भी कुछ पूछना हो, फिर
फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर सबके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मेरे को आगे मैसेज कर सकते हो। कुछ भी पूछना तो बिंदास पूछना। कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉयिंग। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।